वेलकम चिल्ड्रन, वीडियो को देखते ही लाइक कर देना। तीन तक काउंट करूंगा। पूरे यूट्यूब में सबसे पहले आपके लिए 2023 का पेपर कैसा होने वाला है लेके आ गया हूं। तो तीन तक काउंट कर रहा हूं, 1 2 3। आई होप मेरे भाई आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और हमारे इस एफर्ट के लिए एक सब्सक्राइब दे देना। तो चिल्ड्रन, क्या डिस्कस करने वाले हैं 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 के लिए कैसा रहने वाला है। आखिर CBSE ने जो नया क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया है आपके 2023 वाले सेशन के लिए, वो कैसा होने वाला है। तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मिस मत करना। चलिए चिल्ड्रन, सबसे पहली बात जो सामने निकल के आ रही है, CBSE आ चुका है बैक टू बेसिक, यानी कि जो बेसिक तरीका था CBSE का जो 3 साल पहले फॉलो होता था, जिसमें CBSE वन टाइम एग्जाम कराता था, बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, अब CBSE वो ही तरीका अपनाएगा दोबारा से। कहने का मतलब ये है कि जैसा कि 2 सालों से टर्म वन टर्म टू ये वाला ड्रामा चल रहा था, जहां टर्म वन में MCQ लिए जाते थे, टर्म टू में सब्जेक्टिव, वो सब इस बार से बंद हो गया। बस मेन एग्जाम जो है वो एक ही बार हुआ करेगा। आगे अगर बात करूं चिल्ड्रन, अगर बात करूं तो इस बार जो एग्जाम का लेवल रहेगा तुम्हारे लिए वो रहेगा मॉडरेट। सर, मॉडरेट का मतलब क्या है? मॉडरेट का मतलब है ना तो इजी और ना ही हार्ड, इन दोनों के बीच का जो पेपर है, यानी कि मॉडरेट लेवल जो रहेगा वो CBSE इस बार आप सबके लिए प्रिपेयर कर रही है। अब एक चीज और सामने निकल के आ रही है कि पिछले साल क्या हुआ था, CBSE ने केस बेस्ड और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डाले थे। CBSE न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत चिल्ड्रन इस बार भी केस बेस्ड और कॉम्पिटेंसी बेस्ड के साथ इस बार एनालिटिकल क्वेश्चंस, रियल लाइफ क्वेश्चंस, और ये वाली बात अगर पसंद आ जाए तो लाइक दे देना, जिससे तुमको भर भर के क्वेश्चन मार्क्स मिलने वाले हैं, भर भर के MCQ इस बार CBSE, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्योंकि टर्म टू का जो एग्जाम जिन बच्चों ने दिया है अभी 10th और 12th वालों ने पिछले साल, उसमें एक भी MCQ नहीं आया था और बच्चों ने डिमांड की थी कि MCQ क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन होता है उसके 4 ऑप्शन होते हैं ABCD, वो बच्चों को दिया जाए ताकि बच्चों के अच्छे मार्क्स आए। चिल्ड्रन, अभी तक मेरे भाई इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक दे दो हमारे इस एफर्ट के लिए, प्लीज एक सब्सक्राइब दे दो, और पूरी बात आपको बताऊंगा इस छोटे से अपडेट के बाद। कोई क्वेश्चन हो या किसी प्रकार का डाउट, कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा हो, बोर्ड हो या चाहे जेई नीट, पढ़ाई संबंधित अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही है तो डाउनलोड करें फ्लो ऐप को। इस ऐप का डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, बाकी प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस ऐप को डाउनलोड करना होगा, उसके बाद फिर आपको अपने नंबर से इसका साइनअप करना होगा। उसके बाद अगर आपको पढ़ाई संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही है या फिर कोई क्वेश्चन, कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा है, तो जस्ट सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन का या उस सवाल का फोटो क्लिक करना है, उसके बाद उसको अपलोड करना है। मात्र 60 सेकंड के अंदर अंदर पूरे क्वेश्चन को सोल्व करके आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन किस प्रकार कैसे होगा, ठीक है। तो डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप बात करूंगा, CBSE ने इस बार मोर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ऐड करने का डिसीजन ले लिया है, ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा, CBSE ये ध्यान रखेगी जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे उसमें कॉन्सेप्ट का यूज हो। कहने का मतलब ये है, बहुत सारे बच्चे NCERT बुक को नहीं पढ़ते हैं, उनके क्वेश्चंस जो बुक के लास्ट में दिए रहते हैं उनको ठीक से पढ़ते नहीं है या बस रट्टा लगाते हैं। चिल्ड्रन, जो NCERT बुक में जो आपके लास्ट में क्वेश्चंस दिए होते हैं वो तो आपको अच्छे से करने ही हैं, इसके साथ साथ उसी क्वेश्चन के ही उसी क्वेश्चन में से वो एक और क्वेश्चन बना देगा। मैंने लास्ट में आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, तो लास्ट में एंड स्क्रीन पे और आपको डिस्क्रिप्शन में फ्री नोट्स क्लास 9, 10th, 11, 12th के लिए मिल जाएंगे, उन क्वेश्चंस को जरूर करके जाना एग्जाम से एक दिन पहले। चिल्ड्रन, सबसे अच्छी बात CBSE ने जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि 33% क्वेश्चन इंक्रीज किए हैं, क्योंकि इस बार CBSE MCQ क्वेश्चंस भी डालेगा। तो जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस में, उसके MCQ जरूर तैयार करना। अपार्ट फ्रॉम दिस, नेचर ऑफ क्वेश्चन विल चेंज। CBSE के जो नए सेक्रेटरी हैं अनुराग त्रिपाठी, उन्होंने कह दिया है कि बच्चे हमेशा क्या करते हैं, उनको लगता है कि पिछले साल वाले क्वेश्चन कर लो बस वो ही आ जाएंगे, लेकिन इस बार उन्होंने पहले ही बता दिया है कि
कि इस बार का आपको जो क्वेश्चन पेपर सीबीएसई निकालेगी वो एक नए फॉर्म में होगा, तो उसके लिए रेडी रहना, ठीक है। अब यहाँ पे क्लास 10th और क्लास 12th का आपको कंपोजिशन बता रहा हूँ किस तरह से आपका पेपर बटा हुआ होगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड में होगा चिल्ड्रन 40% क्लास 10th के लिए, ऑब्जेक्टिव होंगे 20%, ठीक है, और सब्जेक्टिव होंगे आपके 40%, तो 40, 20, 40 हो गया आपका 100%। अब रख करता हूँ बात 12th वालों की, तो क्लास 12th के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे 30%, ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू होंगे 20% और सब्जेक्टिव होंगे 50%। चिल्ड्रन ये नोट्स हैं आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन नोट्स को एग्जाम से एक दिन पहले भी पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।